नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, और अभी तक आपने देखा होगा कि जनवरी से लेकर नवंबर महीने तक का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। इन 11 महीने में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं, हमारे देश में हो या दुनिया में हो, उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस का बैकग्राउंड भी हम लोगों ने देखा है। और मुझे लगता है कि उन सभी क्लासों को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आसानी से आप लोग आंसर दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर अपनी परीक्षाओं के देखे होंगे तो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी परीक्षाओं में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं करंट अफेयर्स। आप सिविल सर्विस को उठा के देख लीजिए, उसके पुराने क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, या आप लोग स्टेट PCS, UPPCS, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MPPSC, या फिर और भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, सभी में अच्छी खासी संख्या में आपकी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। और याद रखिए, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासें ली हुई है उसके लिए एक प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से, उसी में सभी आपको क्लासें मिल जाएंगी। और इसकी जो PDF है वो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप लोग उन्हें पढ़ सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग दिसंबर 2021 के करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे हम लोग, और इसमें जितनी भी दिसंबर में आपकी जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप देखिए इसका स्टैटिक GK भी हम लोग कवर करते हैं, और भी इसके बारे में अगर जो भी जानकारी होती है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। इसमें एक ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 30 नवंबर, 28 नवंबर। तो आप सभी को मालूम होगा कि 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और इसे मनाने का उद्देश्य यही रहता है कि देखिए एक तरह से एड्स के बारे में लोग जागरूक हों और सावधानी बरतें, ठीक है। और अगर हम लोग विश्व एड्स दिवस को पहली बार मनाने की बात करें तो 1988 में मनाया गया था। कब? 1988 में मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। और अगर हम लोग एड्स के फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, और आप सभी जानते हैं कि HIV वायरस के कारण ये होता है। और इसमें अगर इस साल की यानी कि 2021 की अगर हम लोग थीम की बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई दिवस मनाया जाता है तो उससे थीम भी आपसे पूछ लेता है, तो 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है असमानता को समाप्त कर एड्स का अंत करें, ठीक है। यहाँ एक संस्थान का भी यानी कि संगठन का भी उल्लेख हुआ है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और एक बात और आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग स्टेट PCS या सिविल सर्विस या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपके राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो, उन सबको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते रहते हैं। और वैसे महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें हम लोगों ने सभी संगठनों को कवर किया हुआ है, अगर कोई छूटा हो तो आप लोग बताइए, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 54वां, 57वां, 61वां या 66वां, बताइए इसमें। तो इसमें याद रखिए 57वां होगा, और आप सभी को मालूम होगा कि 1 दिसंबर 1965 में BSF यानी कि जिसे आप लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना है कि शहर कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है, बताइए। इसमें पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपसे, तेल अवीव, लॉस एंजल्स,
मुंबई, न्यूयॉर्क, इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही चुनना होगा। तो इसमें याद रखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तेल अवीव। और आप सभी को मालूम होगा कि एक लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, ये क्या करती है कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी करती है, और इस सूची में इस बार इजराइल का शहर तेल अवीव को पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, किस देश का ये शहर है? इजराइल का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लियोनल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर वालन डी ऑर का अवार्ड जीता है, बताइए? सातवीं, पांचवीं, सातवीं, दसवीं, बारहवीं, सातवीं बार जीता है। और याद रखिए सबसे ज्यादा जीतने वाले यही हैं। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन लगाओगे। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, बताइए? अरुणाचल प्रदेश, आप सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में एक आपको राज्य देखने को मिलेगा, सेवन सिस्टर, आप लोगों ने सुना है, ये इसमें भी आता है, सेवन सिस्टर ही एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन, कुमार विश्वास, संजय दत्त, या फिर आप बताइए विवेक ओबेरॉय। देखिए सीधी सी बात है, संजय दत्त, और आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं। अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसे राज्य का गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को, और आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी ईटानगर है। यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 60 सीटें देखने को मिल जाएंगी, राज्यसभा में एक सीट है और लोकसभा में दो सीटें हैं, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि राज्यों से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आप सभी जानते हैं कि इसकी सीमा की अगर बात करें तो भूटान से भी लगते ही इसकी सीमा आप देखेंगे, चाइना से भी लगती है, चाइना तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं, बताइए? इसमें दिलीप कुमार चौधरी, मनोज कुमार मागो, आकाश कुमार ओझा, राजकुमार सिन्हा। तो याद रखिए मनोज कुमार मागो होंगे, इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल लगाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल डी चौधरी से राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार इन्होंने संभाला हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो गई है, यानी कि इनकी डेथ हो चुकी है, वह कौन थे? और आपको यह एक बात और बता देता हूँ, इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर चर्चित रहता है, चर्चा में रहता है, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। एक कोरियोग्राफर थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे या ऑन्कोलॉजिस्ट थे? तो याद रखिए कोरियोग्राफर थे। क्या थे? कोरियोग्राफर थे। और साउथ की मूवियों में कई आप लोगों ने देखा होगा, साउथ की मूवियाँ आपको पसंद भी होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो याद रखिए 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे क्यों मनाया जाता है, तो एक तरह से आप देखिए पूरे भारत में ऐसे मनाया जाता है, और आप लोगों ने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा, सुने हो या नहीं सुने हो? एक भयानक गैस त्रासदी थी, 2-3 दिसंबर 1984 की बात है, और याद एक तरह से उसी को, उसमें जो भी आप देखिए लोग अपनी जान गंवाने वाले थे उनकी याद में इसे मनाया जाता है, और इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हो सकें, और जो भी आप देखते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बने हुए हैं, औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन नियंत्रण के प्रति लोग जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखिए भोपाल के स्त्रास्ती से ये क्वेश्चन जरूर पूछा है, कई बार पूछा है, इसकी डेट तो पूछता ही है, तो आपको 2-3 दिसंबर याद रखना है। और भारत के मध्य प्रदेश का राज्य में भोपाल शहर आप लोग देखते हैं, राजधानी है मध्य प्रदेश की। तो एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। ठीक है, और यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, और जिसमें लगभग आप देखें इसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी।
और ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस थी, मेथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, जिसे आप लोग शॉर्ट में MICB भी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, मेथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। 2 दिसंबर था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है, बताइए, दीपा कर्माकर, अंजू बॉबी जॉर्ज, गीता फोगाट, अवनी लेखरा। तो इसमें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज। इन्हें क्या किया गया है, इन्हें विश्व एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है। और अंजू को भारत में युवा लड़कियों को खेलों में शामिल होने, प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता के लिए प्रोत्साहन करने के लिए सम्मान दिया गया है। बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनी है। और आप लोग जो कहते हैं ना कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, आप देखिए कि हर क्षेत्र में महिलाएं कर्तव्य दिखा रही हैं और पुरुषों से भी आगे निकल जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें आपके रवीना चावला, जूली डेविड, निशा ठाकुर, गीता गोपीनाथ। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गीता गोपीनाथ हैं। कौन है, गीता गोपीनाथ हैं। और अगर हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा, USA में, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसे भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर से सुन लीजिए, किसे भारत पर्यटन विकास निगम, जिसे आप लोग शॉर्ट में ITDC भी कहते हैं, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, गौतम गंभीर, संबित पात्रा, तेजस्वी सूर्या, रिवाबा जडेजा। तो याद रखिए संबित पात्रा को, और आप सभी जानते हैं BJP के एक स्पोक पर्सन आप लोग कह लीजिए, ठीक है। और अगर हम लोग इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो 1 अक्टूबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, बताइए। पहला ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रिया, स्वीडन, ब्राजील, युगांडा। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है सही होगा। तो याद रखिए स्वीडन की है। कहाँ की है, स्वीडन की है। कहाँ, स्वीडन की है। तो हाल में ही क्या हुआ है कि मैग्दालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और एक बात आप लोगों से क्वेश्चंस मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आपको बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और एक बात अभी तक आप देख रहे हैं कि महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो पहली राष्ट्रपति कौन थी, और आपके राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थी। इन सबको आप लोग नीचे बताइए और सर्च करके नीचे लिखिए, आपके पास गूगल बाबा हैं वहाँ से उनकी मदद लीजिए। और मुझे लगता है कि देखिए अगर आप लोग सर्च करके क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं तो वो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख सकते हैं। और दुनिया में सबसे पहले किस देश में महिला प्रधानमंत्री बनाई गई थी, इस पर भी आप लोग सर्च करिए और नीचे आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और आप सभी जानते हैं कि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस। जल सेना, थल सेना, नौसेना, आप लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, कि नहीं सुने हो बताइए। और ये आप देखिए हमारी रक्षा नौसेना दिवस वर्षगांठ 4 दिसंबर को एक तरह से इसे मनाते हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं हम लोग। नौसेना के बारे में आप लोग जानते होंगे, थल सेना में भी जाते हैं, वायुसेना में भी जाते हैं, तीनों तरह से हमारी सेनाएं हमारी रक्षा करती हैं। किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है, बताइए।
किसे असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? बट इसमें आपका अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, रतन टाटा और एक है मुकेश अंबानी। तो इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए रतन टाटा को मिला है। किसे मिला है? रतन टाटा को मिला है। क्या लगाओगे? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और असम के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी दिसपुर है। इसे राज्य बनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ विधानसभा सीटें 126 हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो इन सीटों को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विकलांग दिवस आप लोग सुने हो नहीं सुने हो? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। तो याद रखिए 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस। और इस बार की अगर हम लोग इसकी थीम की बात करें, क्योंकि थीम से भी क्वेश्चंस कई बार क्या होता है पूछ लेता है। और याद रखिए एक तरह से देखिए इसे मनाने का उद्देश्य ही है कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके प्रति करुणा, आत्मसम्मान, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोग समर्थन करें, उनका उनका परिवार समर्थन करे। और इस दिवस के लिए वार्षिक ऑब्जर्वेशन की घोषणा यूनाइटेड नेशंस के ने जनरल असेंबली में 1992 में की थी। यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र, सुने हो आप लोग? अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। क्या रखा करिएगा? याद रखा करिएगा। विश्व विकलांग दिवस। इस बार की थीम की अगर बात करें हम लोग, क्योंकि थीम ही तो सबसे जरूरी होती है, क्यों गलत तो नहीं बोल रहा हूं, विकलांग व्यक्तियों के लिए समाज में नियम और नियामकों को ढीली ढंग से लागू करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सभी के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण दृढ़ संकल्प के साथ अग्रणी 2030 विकास एजेंडे पर कार्रवाई करना इस बार की थीम रखी गई है, ठीक है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? और ये 1992 में आपको बता दूं कि मनाया गया था एक तरह से पहली बार। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व मृदा दिवस मिट्टी डे का दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है बताइए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 3 तारीख को, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। बताइए। 5 दिसंबर को। कहाँ? 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि मृदा यानी कि मिट्टी के महत्व के बारे में लोग जागरूक हो सकें और एक तरह से पेड़ मेड़ लगाएं जिससे मिट्टी को रोका जा सके। और इस बार की थीम की अगर बात करें तो देखिए, हॉल्ट सॉइल सेलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी यानी मृदा लवणीकरण को रोकें और मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें, इस बार की थीम रखी गई है। और इस दिवस को पहली बार मनाया गया था 2014 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कौनी जेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, इनकी डेथ हो चुकी है। ये किस राज्य से थे? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। किस राज्य के थे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये थे आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। और अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और एक बात और आपको बता दूं, एक बात और बता दूं, क्या बता दूं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके ही आपका तेलंगाना बनाया गया था, याद रखिए इस बात को। जो आज अब तेलंगाना नया राज्य देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी विशाखापट्टनम। यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद भी है। विधान परिषद में 58 सीटें हैं, विधानसभा में 176 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। ये सब भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इसमें आपका क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनाएगी? वर्षा त्रिपाठी, सुमन चौधरी, जूली गौतम, अलका उपाध्याय। तो याद रखिए अब अलका उपाध्याय है। और अगर हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, 1988 में, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका काम यही होता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव, प्रबंधन करना, ठीक है, इनकी देखभाल करना। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है? ए ऑप्शन कह रहा है इसमें IDFC फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन चार में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो याद रखिए IDFC फर्स्ट बैंक भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड जारी किया है। और अकेले मेटल डेबिट कार्ड का नाम फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिटी रखा गया है। और इसे दुनिया भर में अग्री पेमेंट कंपनी वीजा की साझेदारी से जारी किया गया है। इसे लग्जरी लाइफस्टाइल वाले ग्राहकों को देखते हुए डिजाइन किया गया है। IDFC बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। फिर बात आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इन बैंकों से भी कई बार क्वेश्चंस क्या होता है, पूछ लेता है आपसे। फिर आता है एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। फिर है आपका HDFC बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। तो इन सब के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? भारत, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना। तो याद रखिए अर्जेंटीना होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, ये लोटारो डोमेने की हैट्रिक गोल की मदद से अर्जेंटीना ने 6 बार की चैंपियन जर्मनी को 4-2 से हराकर उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में अपना दूसरा FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में हुआ है तो हम क्वेश्चंस बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशक्त सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 7 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 8 दिसंबर है और 5 दिसंबर है। तो मुझे तो लगता है आपको मालूम होना चाहिए 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से जंग लड़ी है, ठीक है। और भारत में साल 1949 से सशक्त सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है ना, कहियो ठीक तो सब है। ये क्वेश्चंस भी कई बार, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और इस पुरस्कार से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो ये कह रहा है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है, अरविंद मेहता, JK देवगन, विष्णुनाथ शर्मा, दामोदर मौजी, माफ करिए मौजो, ठीक है। तो बताइए इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो कौन होगा इसमें, तो याद रखिए दामोदर मौजो, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये असमिया के कवि नील
मणि फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2020 में, ठीक है, और 57वां मिला है किसी कॉन्क्रीट उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो, ठीक है, इन्हें 2021 का पुरस्कार मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर 2020 का भी अगर पूछता है तभी आप लोग आराम से इसका आंसर दे पाएंगे, और अगर आप कहिए 21 का भी पूछता है तब भी मुझे लगता है कि आराम से आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, कब, 1965 में। चलें तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति ऐप ICCI के नए अध्यक्ष बने हैं। ए ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है कि संजीव मेहता, रणवीर शेख हैं, सुरेश दारूवाला हैं, संजीव मेहता हैं, राजेश खंडाला हैं, सुरेश दारूवाला। अब आप देखिए किस तरह का नाम है, तो इसमें याद रखिए संजीव मेहता होंगे। कौन होंगे, संजीव मेहता। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसका पूरा नाम है, और इसका इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है। महिला टेनिस एसोसिएशन की बात हो रही है, SYT, एमा रादुकान, बारबोरा क्रिज़सिकोवा, कार्ला सुआरेज। तो इसमें क्या लगाओगे, एमा रादुकान, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, महिला टेनिस संघ की बात हुई है तो इसके इसका क्या है, 1973 में इसके इसे एक तरह से क्या किया गया था, बनाया गया था। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने डेविस कप 2021 का खिताब अपने नाम किया है, यानी कि जीता है। रूस, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए रूस है इसमें, क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। रूस ने 15 साल के लंबे अंतराल के बाद डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ध्यान रहे रूस का वर्ष 2006 के बाद पहला डेविस कप खिताब है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है, किस देश से जुड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, बताइए। तो याद रखिए इंग्लैंड की थी, कहाँ की, इंग्लैंड की। दुनिया के सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का 110 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो गई है। और बता दूं कि तेज गेंदबाज एस ने इंग्लैंड के लिए 1937 में ड्यू पहली बार एक तरह से खेला था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोकपाल आया हमारे देश में तो ऐसा माना जा रहा था कि कोई जादू की छड़ी आई हुई है, आएगी और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देगी। लेकिन आपने देखा है कि लोकपाल का गठन हो चुका है, नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार फिर भी आप लोग देख रहे हैं। देखिए मेरा इस मामले में कुछ और मानना है, आप लोग कितने भी नियम लाइए, योजनाएं लाइए, कुछ भी करते रहिए, हम उन योजनाओं में सफल नहीं हो सकते जब तक कि हमारे देश के आम लोग जागरूक नहीं होंगे। अगर आप लोग लोगों को जागरूक करते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर उसका परिणाम मिल सकता है। अब आप सोचिए, हम और आप ही तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। 9 दिसंबर, 10 तारीख को, 11 दिसंबर या 7 दिसंबर को, तो याद रखिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। और 9 दिवस को एक तरह से भ्रष्टाचार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर हम ही रिश्वत दे रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं इसे, तो हम किस मुँह से एक तरह से आप कहिए कि हम लोग इसका विरोध कर सकते हैं। हम लोग कभी विरोध नहीं कर पाएंगे इसका, क्योंकि हमें लोगों ने ही उसे बढ़ावा दिया है।
और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन प्रस्ताव पारित किया था और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। और 2021 की थीम की बात करें तो आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें, इस बार की थीम रखी गई है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? ए ऑप्शन कह रहा है एडम चार्ल्स, ओलाफ स्कोल्ज, मैक्स डायमंड और एक है आपके यूडा दिस्काचे। कौन होंगे इसमें? तो याद रखिए ओलाफ स्कोल्ज होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इससे देखिए कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं आप लोग, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा 8 तारीख को, 10 तारीख को यानी कि 10 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 14 दिसंबर को। तो याद रखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपका मानवाधिकार दिवस। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को, और दुनिया भर में मनाया जाता है। और मानवाधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की अंगीकरण उद्घोषणा का सम्मान करने की तिथि के का चयन किया गया था। और मानवाधिकार दिवस की औपचारिक स्थापना 4 दिसंबर 1950 को महासभा की 317वीं पूर्ण बैठक में हुई थी इसकी। तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार, मतलब आपके आप लोग भी तो देखते हैं उसमें, कहीं नहीं देखते हैं। आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं, याद है कि नहीं है? संविधान का भाग 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार। और 2021 की अगर हम लोग थीम की बात करें तो असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, इस बार की थीम रखी गई है। और इसे मनाने का उद्देश्य यही होता है कि समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा मिले और प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति के भिन्न होने के बावजूद मानव अधिकारों का हकदार है। एक बात और आपको बता दूं, हमारे संविधान में भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं ना, और अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई उसमें छेड़छाड़ करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और आपके अधिकारों की रक्षा भी करेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। लेकिन हमने कहा है ना कि हम लोग जागरूक ही नहीं हैं, हम लोगों को मिल गए कानून हो फिर अधिकार हो, लेकिन हम उनका उपयोग ही नहीं करते। अभी हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताइए इनमें से। तो आपको बता दूं कि देखिए इसमें आपको भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथे नंबर पर, यानी कि सी ऑप्शन है। देखिए आपको ये मालूम भी होनी चाहिए लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा ये एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 स्कोर में से 37.7 के साथ चौथे स्थान पर रहा है। अगर हम लोग टॉप देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, उसके बाद चौथे नंबर पर भारत हो गया, उसके बाद छठे नंबर पर रूस हो गया और रूस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। और लॉबी देश के लॉबी इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इसका मुख्यालय आपको सिडनी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में यही आप लोग याद रख सकते हैं। और इस तरह की याद रखिए कोई रिपोर्ट जारी की जाती है या इंडेक्स जारी किया जाता है तो ऊपर सबसे ऊपर कौन सा देश बना हुआ है उसे भी आप लोग याद रखा करिएगा और नीचे से कौन टॉप कर रहा है और भारत का क्या नंबर है उस पर भी आप लोग थोड़ा रिसर्च करके अपने पास रहा करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? इनका कहना यह है कि विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर।
तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि 11 दिसंबर को पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर। इस तरह के डे से भी आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चंस आ जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में सतत विकास आयोग के दौरान फ्रैजाइल इकोसिस्टम का प्रबंधन सतत परिवर्तनीय विकास का डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया था, और इसके अनुसार पहाड़ों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता थी। और इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इस बार अगर हम लोग थीम की बात करें 2021 की, तो सतत परिवर्तनीय पर्यटन इस बार की थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है, बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है रामनाथ शेखावत गोपाल, दूसरा है गोपाल रॉय, तीसरा है रामचंद्र गौड़ और बालकृष्ण दोषी। इनमें से कौन होगा सही? तो इसमें से आपका होगा सही बालकृष्ण दोषी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और आपको मालूम होना चाहिए ये आपका जो रॉयल गोल्ड मेडल है ना, ये वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान में से एक है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है, अवनी देसाई, हरनाज कौर, रीता चौपड़ा, मौनी कौर? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए हरनाज कौर हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 21 साल की हैं और भारत की इस बेटी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता हुआ है। और इससे पहले अगर आप साल 2000 में जाएंगे, सन 2000 में, तो लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है कैथरीन रसेल, बी है जेसी ओसाका, सी कह रहा है लिली अल्फेड और डी कह रहा है युआन जोंग। तो याद रखिए इसमें कैथरीन रसेल होंगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर देखिए यूनिसेफ के बारे में बात करें अगर हम लोग आपसे, तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है, किसे 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? अनीता देशपांडे, मीनाक्षी त्रिपाठी, गीता सिंह या फिर आप देखिए नीना गुप्ता। नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार की बात हो रही है, तो याद रखिए नीना गुप्ता को मिला हुआ है। किसे? 2021 का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। और कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ की प्रोफेसर है नीना गुप्ता। और इन्हें आप देखेंगे एफाइन संयुक्त बीजगणितीय ज्यामिति और क्रम विनिमेय बीजगणितीय में गणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को 2021 का रामानुज पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ये रामानुजम पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है। किस नंबर की? तीसरी महिला है। कौन? नीना गुप्ता। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं और रखना चाहिए, मुझे लगता कि नहीं रखना चाहिए। 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है रामानुज पुरस्कार। और आप सभी लोग जानते होंगे रामानुज के बारे में, तो आप लोगों ने श्री निवास रामानुजन, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं की याद में आप कह सकते कि दिया जाता है। इनकी डेथ हुई थी 26 अप्रैल 1920 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या पूछ रहा है?
टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चंस। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? सोनू सूद, व्लादिमीर पुतिन, एलन मस्क, सी जिनपिंग। तो याद रखिए इसमें एलन मस्क होंगे। कौन होंगे? सी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। क्या लगाओगे आप लोग? सी ऑप्शन लगाओगे। और आप सभी जानते हैं कि टेस्ला के प्रमुख है एलन मस्क, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? डेविड वार्नर, मैथ्यू बेड, चेतेश्वर पुजारा, के एल राहुल। तो याद रखिए इसमें डेविड वार्नर होंगे। कौन होंगे? डेविड वार्नर, यानी कि इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है ना डेविड वार्नर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या पूछ रहा है, किस ड्राइवर ने अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स ये 2021 का खिताब जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, या फिर आयरटन सेना, डेनियल रिकियार्डो। तो याद रखिए इसमें आपको बी ऑप्शन यानी कि मैक्स वर्स्टैपेन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन देखने को मिलेंगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। इन्हें अबू धाबी ग्रैंड जो फिक्स होता है ना, ये जीता है इन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? ए ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? ए कह रहा है अनीता कश्यप, बी कह रहा है रजनी माधव, सी कह रहा है हंसा निगम, या डी लीना नायर। तो याद रखिए लीना नायर होंगी। कौन होंगी? लीना नायर होंगी। इसमें आप लोग कई बार पूछते रहते हैं कि भारतीय मूल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसका सीधा सा मतलब ये निकाला करिए कि भारतीय मूल का मतलब व्यक्ति जिसके माता पिता, जिसने कोई भी हो इन माता पिता में से, वह भारत के रहने वाले थे और दूसरी जगह कर रहकर वो बस गए वहीं, और एक तरह से उन्हीं की कोई अगर पुत्र पुत्री है तो उन्हें आप क्या बोल देते हैं? भारतीय मूल के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई? कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई? अलेक्स मॉर्गन, सिमोन वाइल्स, नवोमी ओसाका, केटी लेट्सी। तो याद रखिए सिमोन वाइल्स, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? टोक्यो, दुबई, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो याद रखिए इसमें दुबई होगा। क्या होगा? दुबई होगा। दुबई में 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है, और यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तून ने की थी, ठीक है। और इस पेपरलेस होने का से ना सिर्फ धन बल्कि आप सभी जानते हैं कि मानव श्रम की बचत होगी। और एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग दुबई सरकार की अब हर साल करीब 2700 करोड़ रुपये बचा सकती है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है?
कौन सा? विजय दिवस। ए ऑप्शन क्या रहा है? 14 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 16 दिसंबर या 18 दिसंबर। तो याद रखिए आप लोग, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? विजय दिवस। और 16 दिसंबर 1971 में आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और पाकिस्तान को, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक है। तो एक तरह से इसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान 1971 की युद्ध की 3 दिसंबर को हुई थी, और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली थी, और दोनों मोर्चों पर आप देखिए कि एक तरह से युद्ध को रोक दिया गया था। और उसी दिन को अगर आप लोग बात करें तो विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1971 के युद्ध के बाद ही आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश नया देश उभर के आया हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? आप सभी जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत साहब की डेथ हो चुकी है और हवाई दुर्घटना में। वी आर चौधरी, आर हरी कुमार, एस एम घोरमाड़े, एम एम नरवने, कौन होंगे? तो आप सभी जानते हैं कौन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, चीफ ऑफ कमेटी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुआरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है? और याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। तो 21 देश के हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन, या फिर आप देखिए बेल्जियम, ठीक है। तो इस ए हैं अर्जेंटीना के, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, समझ रहे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? कैंपे गोवडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो याद रखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आपको बता दूं क्या बताना है इसमें, दिल्ली में स्थित है, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि कई बार क्या होता है, पूछ लेता है कि आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नग दग पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है? बताइए किस देश के हैं? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। तो याद रखिए, भूटान का है। कहाँ का है? भूटान का है। और आप सभी जानते हैं कि एक तरह से हमारा पड़ोसी भी भूटान है। क्या है? हमारा पड़ोसी भी है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नग दग पेल जी खोरलो से सम्मानित किया गया है। और अब तक कई देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को दिए जा चुके हैं। क्या किए जा चुके हैं? दिए जा चुके हैं। इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री साहब को दिए जा चुके हैं। और इसमें अगर कुछ नाम भी आपको बता दूं, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, तो अब्दुल अजीज अल सऊद ऑर्डर, ये सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री साहब को 2016 में दिया गया था। गाजी अमीर अमानुल्ला खान स्टेट ऑर्डर, ये भी 2016 में हमारे प्रधानमंत्री साहब को मिला था, अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, ये 2018 में हमारे प्रधानमंत्री साहब को मिला था। और विदेशी गणराज्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019,
ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, ये 2019 में हमारे प्रधानमंत्री को मिला था, रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये 2019 मिला था, 19 में मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। और पुनर्जागरण के राजा हमद आदेश प्रथम श्रेणी 2019 मिला था, ये बहरीन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020, आप सभी जानते हैं उत्कृष्ट सेवाओं उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण मेधावी आचरण के लिए दिया जाने वाला संयुक्त राज्य सशक्त बल पुरस्कार है। फिर आपने देखा होगा कि सियोल पीस प्राइज 2018 में हमारे प्रधानमंत्री साहब को मिला था। सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा द्विवार्षिक पुरस्कार दक्षिण कोरिया उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव विकास में सुधार, राष्ट्र और विश्व में शांति तथा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु कार्य किया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में हमारे प्रधानमंत्री साहब को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला था। पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार और 2019 में मिला था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान 2019 के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व के प्रतिबद्धता के लिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा सम्मानित किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब को ये पुरस्कार मिले हुए हैं, आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। कौन व्यक्ति सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? अरविंद शर्मा, अरविंद कुमार, रविंद्र शर्मा, अरविंद कुमार, कमलेश नागर, ऋषि पाल चौहान। तो याद रखिए अरविंद कुमार होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? अवनी लेखरा, भाविना पटेल, हरविंद सिंह, नमिता चौधरी। तो याद रखिए अवनी लेखरा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, या 20 दिसंबर को, 15 दिसंबर को? तो याद रखिए 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, प्रवासी दिवस। और आप सभी को बता दूं इसके प्रवासी दिवस के बारे में, और इस दिवस की थीम मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन रखी गई थी इस बार की, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को पूरी दुनिया में बढ़ते प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और एक और भारतीय प्रवासी दिवस आप लोगों ने सुना होगा, प्रवासी भारतीय दिवस, और आप सभी जानते हैं कि ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1915 में जब महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का महान पिता भी कहते हैं, कई लोग इनकी आलोचना भी करते रहते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप सभी पढ़ रहे होंगे गांधी जी को, तो भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी किया था और भारतीयों के जीवन को सदैव के लिए बदल दिया था। तो उन्हीं की एक तरह से उसी यात्रा को आप लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मना लेते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। याद रखोगे या नहीं? और इस बार की थीम रखी गई आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है, प्रवासियों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की हुई है? बताइए, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, सहाय योजना। तो याद रखिए आपका झारखंड सरकार ने शुरू की हुई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और झारखंड के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट और आपको बता दें, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि झारखंड हमारा एक राज्य है और रांची इसकी राजधानी है, है या नहीं है? 15 नवंबर 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा सीटें 82 हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं,
तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कौन टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। इसमें ए ऑप्शन आपका क्या है, स्टुअर्ट बॉन्ड इंग्लैंड के हैं, नाथन लॉन ऑस्ट्रेलिया, टीम साउदी न्यूजीलैंड, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं और ये टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बताइए इसमें सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद, ऋषभ पंत, हरनाज संधू, कौन होगा इसमें। तो याद रखिए इसमें ऋषभ पंत होंगे, कौन होंगे, ऋषभ पंत होंगे और इसमें आप लोगों को सी ऑप्शन लगा देना है। और उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी देहरादून देखने को मिलेगी, यहाँ आपको विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 5 सीटें देखने को मिलेंगी, कितनी, 5 सीटें देखने को मिलेंगी। और उत्तराखंड का पूर्व का नाम उत्तरांचल के नाम से भी आप लोग जानते थे, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, किस नाम से जानते थे, उत्तरांचल के नाम से भी आप लोग इसे जानते थे, उत्तराखंड से अलग करके बनाया गया था इसे, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर बना है, देहरादून उत्तराखंड, पीलीभीत उत्तर प्रदेश और बीकानेर राजस्थान, मंगलोर कर्नाटक। तो याद रखिए इसमें पीलीभीत उत्तर प्रदेश होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आप लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ बता दीजिए, क्या बता दीजिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था और जिसमें पीलीभीत के कारीगरों ने 16 फीट 6 इंच की बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। ठीक है, तो ये आप लोग, और इससे पहले आप देखेंगे तो यह रिकॉर्ड गुजरात के जामनगर के पास था। ठीक है, और वहाँ के जो कारीगर थे उन्होंने 11 फुट की बांसुरी बनाकर जामनगर का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया था। और उत्तर प्रदेश को आप सभी जानते होंगे कि राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की जो सत्ता है उसकी गद्दी की जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद भी है उसमें 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 में राज्य बनाया गया था। 24 जनवरी को आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं, मोहित जैन, आलोक माथुर, अक्षय चोपड़ा, निखिल मेघवाल, कौन होंगे इसमें। तो याद रखिए मोहित जैन होंगे इसमें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो 27 फरवरी 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए, जापान, चाइना, चीन, ऑस्ट्रेलिया और एक है आपका अमेरिका। तो याद रखिए ये चाइना है, क्या है, चाइना है, और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी भी है चाइना और हमसे सीमा को लेकर विवाद भी होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 का बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है या जीता है, एम्मा रादुकान, अवनी लेखरा, स्काई ब्राउन, सिमोन बाइल्स। तो याद रखिए एम्मा रादुकान, ठीक है, इसमें क्या लगाओगे, ए ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही लगाएंगे। यूएस ओपन चैंपियन एम्मा रादुकानो को बीबीसी ने वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ खेल हस्ती चुना है। ठीक है, और इससे पहले 19 साल की रादुकानो ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली क्वालीफायर बनी जब सितंबर में उन्होंने न्यूयॉर्क में एक भी सेट गवाए बिना खिताब जीता था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सेमी नयो न्यूलैंड न्यूलैंड और चोमिक चोमो की दीमा किस राज्य के तीन नए जिले बने हैं। बड़े अजीब नाम है और आप सभी जानते होंगे कि इस राज्य में इसी तरह के नाम रखे जाते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन की किसी लोगों के नाम है। मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, तो ये सभी मालूम होना चाहिए नागालैंड के हैं। कहाँ के? नागालैंड के हैं। और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं पूर्वी भारत में आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, म्यांमार से लगा हुआ। 1 दिसंबर 1963 में से राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा सीटें 60 देखने को मिलेगी, राज्यसभा में एक सीट है, लोकसभा में एक सीट है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसमें ए ऑप्शन आपसे कह रहा है, APJ अब्दुल कलाम, श्रीनिवास रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस, प्रशांत चंद महालनोबिस। तो इस ये तो सभी आप लोगों को मालूम होगा, श्रीनिवास रामानुजन। क्या लगाओगे? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर 1887 में श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1920 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस। गणित तो आप लोग पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते हैं। और 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रामानुजन के सम्मान में उनके जन्मदिन यानी कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति बैम्बोस एयरोस्पेस लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। अतुल दिनकर राणी, नरेंद्र कुमार जैन, यूसुफ अली खान और राजेंद्र सिंह धीरज। तो याद रखिए इसमें अतुल दिनकर राणे होंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गैम्बियल बॉरी किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। पेरू, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। तो याद रखिए चिली के बने हुए हैं। कहाँ के बने हुए? चिली के राष्ट्रपति बने हैं सबसे युवा। और दक्षिण अमेरिकी में आपको देखने को मिलेगा ये देश। ठीक है, इसकी सैंटियागो इसकी राजधानी है चिली की। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पितृवस पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें चौधरी चरण सिंह होंगे और इनके नाम पर आप देखते हैं कि राजनीति भी काफ़ी होती रहती है चौधरी चरण सिंह के। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं या नहीं रहे। और इनके जन्म की बात करें 23 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हुआ था, 29 मई 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। और भारतीय लोकदल आप लोग देखते हैं ना, ये इन्हीं की पार्टी थी। अगला क्वेश्चन है, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चंस, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है। ए ऑप्शन है यूगो कुबायसी, किदाम्बरी श्रीकांत, लोह कीन ताकुरो हॉकी। तो याद रखिए लोह कीन। ठीक है, इसमें आप लोग सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर 19 वोमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया हुआ है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। बांग्लादेश ने, आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है, हमारा पड़ोसी भी है। और एक तरह से आप यही कि हमारा ही योगदान सबसे ज़्यादा रहा है भारत का, कि भारत को आज़ादी मिली है एक से बांग्लादेश को, नया देश उभरा है बन के। ढाका इसकी राजधानी है। करेंसी की बात करें तो टका इसकी राजधानी वो है, क्या है, करेंसी है, मुद्रा। ठीक है,
और त्रिपुरा तो आप देखते हैं कि बांग्लादेश के तीन तरफ से घेरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? इसमें अंजलि ए ऑप्शन क्या करा है, अंजलि जिंदल, बी करा है पुष्पा चौधरी, सी करा है पायल नायक और डी करा है अनाहत सिंह। तो याद रखिए सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, आप लोग कुछ लेते हैं ना तो आप भी उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। 22 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख। तो याद रखिए 24 तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और एक तरह से आप देखिए कि उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तरह से इसे मनाते हैं। और इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1986 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिए, ज़रूर याद रखिएगा। और इसमें याद रखना चाहिए, मेरा मानना है कि नहीं रखना चाहिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, शिकायत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सभी आपके अधिकार ही हैं। तो 24 तारीख आप लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, बताइए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो एक बार, APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी और अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को आप लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की बात करें तो 25 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था और 16 अगस्त सन 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। हमारे देश के तीन बार प्रधानमंत्री रहे, पहली बार आप देखते हैं कि 13 दिन के लिए केवल, दूसरी बार 13 महीने के लिए, उसके बाद तीसरी बार 5 साल के लिए, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। इससे पहले 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत के छात्रों और नागरिकों को सरकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बताना होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? हिटमैन, टर्मिनेटर, दादा जंबो। टर्मिनेटर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। टर्मिनेटर किस नाम से मशहूर हैं भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। हरभजन सिंह ने साल 1998 में अपना पहला क्रिकेट खेला था और अब आप देखिए कि वो अलविदा कह रहे हैं इसे। और साल 1998 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबले के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी हरभजन सिंह ने। और इसके बाद उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट डेब्यू किया था और फिर साल 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अनिल कुंबले और आर अश्विन के बाद हरभजन सिंह भारत के लिए टेस्ट सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिए, मुझे लगता है क्रिकेट प्रेमी होंगे तो आप लोग जरूर, आप लोगों को सब कुछ याद होगा, क्या होगा, सब कुछ याद होगा। बड़े नीचे खत्म होने पर आए तो मुझे लगता है कि गुस्सा आ रहा है ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे पहला टेलीस्कोप लॉन्च किया है, बताइए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, एक्स मोर टेलीस्कोप, लेंसकोर टेलीस्कोप, फायर विंग टेलीस्कोप। तो याद रखिए इसमें होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आप सभी जानते हैं नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, वॉशिंगटन DC
यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसरो आप लोग सुनते हैं ना, उसी तरह आप लोग इसे भी कह, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुने हैं। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? ए ऑप्शन कह रहा है सौराष्ट्र, वडोदरा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। और हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य बनाया गया था, इसका गठन हुआ था, शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी राजधानी धर्मशाला है। यहाँ 68 सीटें विधानसभा में हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं, ठीक है। और शिमला आप लोग घूमने जाते भी रहते होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? अशोक सक्सेना, आदित्य राणा, कमलेश देसाई, विक्रम मिश्री। तो याद रखिए विक्रम मिश्री होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? किस देश में स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बताइए। तो इसमें श्रीलंका होगा आपका। कौन होगा? श्रीलंका। और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है और सांस्कृतिक संबंध हमारे काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं। कोलंबो इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पाक जल डमरू सुने हैं आप लोग, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को टॉप स्थान मिला है, यानी कि बहुत अच्छा स्थान है, और सबसे नीचे किसने किया है बताइए? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि अंदाज़ा भी आप लोग लगा सकते हैं, केरल। और कोई भी आंकड़े आते हैं, रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आते हैं, सूचकांक आते हैं, तो अधिकतर मामले में आप देखेंगे केरल ही आपको अच्छी टॉप पर देखने को मिलेगा। और नीति आयोग के बारे में वैसे आपको बता दूं, 1 जनवरी 2015 में इसे बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु को दूसरे स्थान पर रखा गया है, तेलंगाना को तीसरे स्थान पर रखा गया है, और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे स्थान पर है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। केरल के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको। वैसे केरल हमारा दक्षिण भारत में आप लोग एक राज्य देखते हैं। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। यहाँ की अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 140 हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे एलिंगवर्थ का 89 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे। तो याद रखिए इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं रे एलिंगवर्थ, इनका 89 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है। और 19 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया था। इसके बाद उन्होंने 33 सालों के करियर में 787 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले और इस दौरान 24,000 से अधिक रन और 2,000 से अधिक विकेट अपने नाम किए हुए हैं, ठीक है। तो यह अभी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को टॉप स्थान मिला है बताइए? राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो याद रखिए गुजरात को मिला है। किसे मिला है? गुजरात को मिला है। और इसमें अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021 के सुशासन सूचकांक में गुजरात टॉप स्थान पर मिला है, वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर गोवा देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात ने आर्थिक प्रशासन, मानव संसाधन विकास,
सार्वजनिक अवसंरचना और सुविधाएं, समाज कल्याण, विकास, न्यायिक और जन सुरक्षा में शानदार प्रदर्शन किया, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, मानव संसाधन, सार्वजनिक अवसंरचना, सुविधा, समाज कल्याण, विकास में बेहतर काम किया है। और इस सूचकांक को केंद्रीय प्रशासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। और वैसे गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री साहब हों, दोनों लोग गुजरात से ही तो आते हैं। तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में चुना है, बताइए। इसमें ये ऑप्शन कह रहा है प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, शिखर धवन और आपकी KL राहुल। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आलिया भट्ट बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेटा के बारे में बात करें तो आप पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑफ एनिमल, इसकी स्थापना 22 मार्च 1980 में की गई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने हैं। पंजाब नेशनल बैंक बहुत पुराना बैंक है, पता है आपको कि नहीं। गणेश सक्सेना, राहुल माधव, अतुल गोयल, महेश कपूर, बताइए। तो याद रखिए अतुल गोयल हैं, इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसकी अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 19 मई 1894 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, अहिल्याबाई होलकर रेलवे स्टेशन, रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन, महारानी ताराबाई रेलवे स्टेशन। तो याद रखिए वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया इसका, और इनसे रानी लक्ष्मीबाई से क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। आप सभी जानते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग बात करें, एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दें, तो 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था और 18 जून 1858 में इनकी मौत हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। और इनकी अगर हम लोग समाधि स्थल की बात करें तो ग्वालियर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। और ये कुछ समय के बाद आप देखेंगे झांसी आ जाती हैं और झांसी में ही आप देखेंगे इनकी शादी हो जाती है गंगाधर राव से, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस बीमारी के कारण बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विजय गलानी का की मौत हो चुकी है। तो याद रखिए कैंसर, COVID-19, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज। तो वैसे अभी तो कैंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रहे हैं और फिल्म की दुनिया में गलानी ने सलमान खान, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, गोविंदा जैसे अभिनेताओं के साथ काम भी किया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा, विजय गलानी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश ने दुनिया की पहली डबल मॉडल व्हीकल सर्विस शुरू की हुई है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, सिंगापुर। जापान है इसमें, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, जापान ने। और इस बस को आपको बता दूं ट्रेन की पटरियों पर भी दौड़ते देखा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नवजीवन दत्त, दया प्रकाश सिन्हा, रामपाल चोपड़ा, जलज गणेशन। तो याद रखिए दया प्रकाश सिन्हा होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है, 2021 के लिए इन्हें दिया गया है। और इसे 1954 में पहली बार ये दिया गया था, पता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उनके नाटक है एक सम्राट अशोक और अंग्रेजी के लिए नामिता गोखले को उनके उपन्यास
थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को उनकी कहानी संग्रह सुलान दा सालन को के लिए दिया गया है। तो हिंदी में आपको दया प्रकाश सिन्हा याद रखना है। तो इस तरह से आप देखिए, याद रखिए, ये आपके दिसंबर महीने तक का करंट अफेयर्स कवर करवा दिया है 12 महीने का, और अब हम लोग 2022 में कवर करेंगे, ठीक है, उसका पूरा साल का करंट अफेयर्स कवर करवाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ये एंजॉय करिए, और आप लोग तैयारी करते रहिए, और क्या करना है, ठीक है।